मुजफ्फरनगर के खतौली में हुआ रेल हादसा एक बार फिर से आज दोबारा दोहराए जाने से बच गया। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के सरवट फाटक पर आज ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण रेलवे क्रॉसिंग के फाटक को गेट कीपर बंद नहीं कर पाया, लेकिन गेट कीपर कैलाश कुमार ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए इंटरसिटी एक्सप्रेस को सिग्नल देकर फाटक से कुछ ही दूरी पर रुकवा दिया, जिसके बाद लगभग 20 मिनट फाटक से ट्रैफिक कम हुआ तो गाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी अंबाला से चलकर मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली के लिए जाती है। गेट कीपर कैलाश कुमार की माने तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, और इस तरह की घटनाएं इस फाटक पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण आए दिन होती रहती हैं। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में रेलवे में ट्रैफिक ज्यादा था, इस पर भीड़ ज्यादा थी, इसलिए रुक गई थी। ये 14522 इंटरसिटी एक्सप्रेस थी, अंबाला से आती है, उसके लिए कम से कम 20 मिनट खड़ी रही है ये ट्रेन। उसके बाद जब जाके बंद हुआ है ये गेट, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पर सिग्नल का सिस्टम है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है वैसे।